Hey you have missed a lot of things here last week on Developer Raj. You have missed how to import data, how to read it and add headers to it, and how to export it. So go and watch it from first video. Hey guys, तो हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने last week क्या किया था. सो हम लोगों ने फाइल को इंपोर्ट करना, रीड करना और एक्सपोर्ट करना सीखा था. सो एक बार रिकैप कर लेते हैं. सो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एसपीडी किया था, पाथ को डिफाइन किया था एक वेरिएबल में, और उसके बाद रीड करने के लिए df equals to pd.read का यूज़ किया था. उसमें हम लोगों ने अंडरस्कोर के साथ csv का यूज़ किया था जो कि फाइल एक्सटेंशन था. उसके बाद df.head का यूज़ किया था. ये ऑन डिफॉल्ट 5 ऊपर से टॉप रो को प्रिंट कर देता है. बॉटम 5 रो को प्रिंट करने के लिए हम लोगों ने df.tail का यूज़ किया था. उसके बाद हम लोगों ने हेडर को असाइन करवाने के लिए हेडर एक वेरिएबल में डाल दिया था, हेडर इक्वल्स टू सारा हेडर, और उसके बाद df.columns इक्वल्स टू हेडर जब लगाया था तो हमारे पास जो आगे चल के प्रिंट होके आया था वो हेडर के साथ आया था. उसके बाद हम लोगों ने एक पाथ को डिफाइन किया था, अदर पाथ, और उसमें हम लोगों ने एक लोकेशन डाला था जहाँ पे हमें फाइल को एक्सपोर्ट करवाना था. उसके बाद एक्सपोर्ट करवाने के लिए df.to फंक्शन का यूज़ किया था, और जिस फॉर्मेट में करवाना था वो फॉर्मेट का यूज़ किया था. इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं. एक बात मैं बता दूं कि आज जब आपको इस फाइल को रीड करवाना है तो ये फाइल आज वापस से रन नहीं होगा. आप लोग जब कोड लिखोगे तो आप लोगों को एरर बताएगा. सो उसके लिए रीज़न बिहाइंड ये है कि जो सर्वर उस दिन रन कर रहा था, हालांकि दोनों लोकल होस्ट हैं, लेकिन उस दिन जो सर्वर रन कर रहा था वो आज वाले सर्वर से डिफरेंट है. सो उसके लिए हमें एरर से बचने के लिए हमें सारे कोड्स को मैन्युअली या तो एक बार में एक एक करके सबको शिफ्ट एंटर से प्रिंट करवा के रन करवाएं, या तो उस रन ऑल सेल पे प्रेस करें. इससे क्या होगा, सारे सेल को एक बार में रन करवा देगा वन आफ्टर अनदर. सो यहाँ पे हो गया, अब कोड रन के होने में कोई दिक्कत नहीं होगा. सो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो हमारे पास डाटा था, हम लोग आज देखने वाले डाटा एनालाइजेशन और डाटाबेस एपीआई. तो डाटा एनालाइजेशन में हम लोग करते क्या है कि जो हमारे पास डाटा है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी निकालते हैं कि वो डाटा है क्या, कहाँ से आया, क्या है उसमें. तो उसके लिए जो हमारे पास डाटा है, हम लोग जो डाटा लिए हैं उसमें हम लोग देख लेते हैं कि इस डाटा में जो हम लोगों ने 26 कॉलम्स को असाइन किया था उसे हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट बोलते हैं. सो एट्रीब्यूट हमारे पास 26 था टोटल, और जो यहाँ पे प्राइस है जो हमें फाइंड करना है उसे हम लोग टारगेट लेबल बोलते हैं अलग अलग. तो एट्रीब्यूट में हम लोगों ने सिम्बॉलिंग लिया है, नॉर्मलाइज्ड लॉस लिया है, कर्व वेट लिया है, इंजन टाइप लिया है. आप लोगों को जो भी हमारे पास डाटा था, एट्रीब्यूट था, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए ताकि हम आगे चल के अगर कुछ कैलकुलेशन वगैरह करें तो उस पर कर सकें. तो जो नॉर्मलाइज्ड लॉस है वो होता है कि कार अगर एक साल आपने चलाया और वो आगे चल के थोड़ा बहुत डिग्रेड होता है कार टाइम टू टाइम, तो एक साल में जो कार का प्राइस है वो 65 टू 256 डॉलर का प्राइस जो है वो कम हो जाता है. आगे है मेक, किसने बनाया, उसके बाद है फ्यूल टाइप, उसके बाद है एस्पिरेशन, नंबर ऑफ टोर्स, कर्व वेट, इंजन टाइप, इंजन साइज, नंबर ऑफ सिलेंडर, स्ट्रोक, पीक आरपीएम, सिटी एमपीजी. तो इस तरीके से हमारा एट्रीब्यूट है. सो ये रहा हमारे पास डाटा, और ये रेंज है एट्रीब्यूट का रेंज कि डाटा कहाँ से कहाँ तक है. जैसे कि जो सिम्बॉलिंग है वो -3 to 3 है, ये सेफ्टी फीचर्स में आता है सिम्बॉलिंग. जैसे 3 हो गया वो अनसेफ गाड़ी है, -3 हो गया वो क्वाइट सेफ, मीन्स काफी हद तक अच्छा है. इसके बाद एक आता है डाटा टाइप. सो डाटा विजुअलाइजेशन में हम लोग दो चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे किसी भी एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले. सो वो चीज है पहला डाटा टाइप और दूसरा है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन. तो डाटा टाइप में हम लोग बेसिकली देखते हैं कि डाटा किस तरीके का है. इसके लिए हम लोग फंक्शन यूज करते हैं df.dtype. सो इसमें क्या होता है कि ये जो भी कॉलम में स्पेसिफाइड जो एट्रीब्यूट है या टारगेट लेबल है उसमें जिस तरह का डाटा है वो डाटा का टाइप किस तरह का है ये हमें बता देता है. ये हमें जानने के लिए बहुत जरूरी इसलिए भी है, जैसे कि जो पांडास है वो क्या करता है कि वो ऑटोमेटिकली जो भी हमारा डाटा है प्री एज्यूम कर लेता है बेस्ड ऑन आवर ओरिजिनल डाटा टेबल. ये जो पांडास है ये क्या करता है, प्री एज्यूम कर लेता है और सेम इन बिल्ड कर देता है बेस्ड ऑन आवर डाटा सेट. जो हमारे डाटा टेबल में जो भी डाटा है उसके बेसिस पे ये डायरेक्ट उसी चीज को कॉपी करके और डिस्प्ले कर देता है. तो इसको अवॉइड करने के लिए, जैसे लेट से देखते हैं कि प्राइस में कोई स्ट्रिंग डाला हुआ है या ऑब्जेक्ट है, सो उससे क्या होगा कि हम अगर कुछ कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे होल रो को या कॉलम को, तो उसमें क्या होगा कि अगर वहां पे डाटा नहीं है या फिर स्ट्रिंग है रादर देन इंटीजर तो हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में एरर आ जाएगा. तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए तो डाटा टाइप को चेक करते हैं.
ये है कॉम्पेटिबिलिटी इन पाइथन। तो हम लोग डाटा टाइप को इसलिए यूज करते हैं। इसके बाद डाटा एनालिसिस में है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब फंक्शन क्या करता है, ये स्टैटिस्टिकल मेमोरी देता है। इसका जो फंक्शन है वो df.describe है, और इसमें हम लोग स्पेसिफिकली पार्टिकुलर कॉलम को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं या एज अ होल को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग कोड देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम लोग डाटा टाइप को देखते हैं। तो df.dtype ये क्या करता है, हमें कोड डाटा टाइप बता देगा कि किस तरह का डाटा हमारे पास है। जैसे कि जो हमारा डाटा सेट था उसमें किस तरह का, जैसे सिंबलाइजिंग में इंट वैल्यू लिए हुए है, व्हील बेस में फ्लोट वैल्यू है, लेंथ में फ्लोट वैल्यू है, उसी तरीके से जो प्राइस है उसमें ऑब्जेक्ट है। सो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्राइस है वो हम लोगों ने डॉलर में लिया था। तो प्राइस क्या है, जैसे कि कॉस्ट इंटीजर में होना चाहिए, $40,000, $30,000 इस टाइप से। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग हटाएंगे आगे चल के और देखेंगे कि कैसे हम लोग हटाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे जब डाटा टाइप निकाला तो हमें पता चल गया कि एरर कहाँ कहाँ पे है। एरर हमें पता चला कि जो प्राइस है उसमें हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है जो हम डाटा टाइप है हमारे पास, उसमें जो प्राइस का जो डाटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। तो आगे चल के हम लोग रिप्लेस करना भी सीखेंगे। ये ऑब्जेक्ट इसलिए आया कि कुछ कुछ जो प्राइस का वैल्यू है वहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे तो अभी नंबर है 13,000, 16,000, $17,000, बट कहीं कहीं पे वैल्यू नहीं है। तो उस बेसिस में ये क्या किया कि वहाँ पे जो डाटा टाइप है प्राइस का वो ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया। इससे हमें फायदा हो गया, जैसे हम लोग अगर लेट से चेक नहीं करते और कैलकुलेशन करते तो कहीं कहीं एरर देता। एरर आने का ये मतलब था कि वहाँ पे वैल्यू नहीं है और हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं या फिर हम लोग उसके डेविएशन को कम कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि प्राइस में इंटीजर वैल्यू कैसे ला सकते हैं, जिसमें जिसमें वैल्यू नहीं है उसमें सारे रो को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, इस चीज को सही कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने डाटा टाइप को देखा। इसके बाद था डिस्क्राइब। डिस्क्राइब फंक्शन क्या करता है, वो हमारा समरी देता है। तो समरी इन द सेंस कि जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा है उसके बारे में बताता है कि ये इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, टॉप रेंज कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग कोड यूज करते हैं df.describe। तो डिस्क्राइब यूज करने के लिए और रन कर देते हैं शिफ्ट एंटर से। तो ये क्या बताया, हमारा काउंट दे दिया, मीन, स्टैंडर्ड, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि जब हम लोग ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हैं या फिर कुछ हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, तो लेट से कोई वैल्यू है, जैसे कि पहला क्या था, सिम्बॉलिंग। सिम्बॉलिंग में जो था वो सिम्बलाइज कर रहा था कि गाड़ी आपका कितना सेफ है। उसमें रेटिंग मिला था 1, 2, 3, -1, 0 and -2, -3। तो ये सिम्बॉलिंग था। और एक है हमारे पास प्राइस। प्राइस बोलता है कि मेरे पास जो डाटा है वो 17,000 से लेके 10,000 से लेके 80,000 तक है। ये वैल्यू कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि एक तो काफी छोटा डाटा है, जैसे कि जो सिम्बॉलिंग है वो नंबर्स में है, -1, 1, 3, 2, -3, और जो एक नंबर है प्राइस है वो काफी बड़ा ह्यूज नंबर है। तो इसमें एक टर्म आता है डेविएशन। तो ये लार्ज डेविएशन शो करता है। जब हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ वगैरह तो आप देखोगे कि जो हमारा मेन लाइन है ग्राफ आना चाहिए था डेविएशन का, उससे जो डॉट्स वगैरह है वो काफी दूरी पे है। तो इससे एरर वगैरह आता है या फिर एक्यूरेसी का चांस बहुत कम रहता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिम्बॉलिंग का। ये क्या करता है, हमें स्टैटिस्टिकली डाटा देता है स्टार्टिंग में कि देखो यहाँ यहाँ पे ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है। तो इसको आप लोग इस तरीके से आगे चल के सही करना है, ये हमें थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है। तो डिस्क्राइब में हम लोग काफी जो समरी है वो किसी स्पेसिफिक सबसेट का भी निकाल सकते हैं। सो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं df और डबल ब्रैकेट में डालते हैं, बिग ब्रैकेट में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ, जिसे हम लोग स्पेसिफिक डिस्क्राइब करना है, और लास्ट में हम लोग डॉट डिस्क्राइब लगाते हैं और सेम हम लोग रन करवाते हैं सेफ प्रिंटर से। और यहाँ पे जो लेंथ था का हम लोगों के पास समरी आ गया, स्टैटिस्टिकल समरी। तो इसमें काउंट है, मीन है, स्टैंडर्ड है और मैक्सिमम वैल्यूज हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा सारा इसमें क्या है कि 25% क्या है, 75% क्या है आने वाले वीडियो में। तो हम लोगों ने दो का निकाला था, लेंथ और कंप्रेशन रेशियो का। इसी तरह हम लोग एज अ होल का भी समरी निकाल सकते हैं डिस्क्राइब करके। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं df.describe और जो ब्रैकेट में हम लोग यूज करते हैं include equal to double inverted comma में all, और इसे हम लोग रन करते हैं। तो ये हमें क्या करता है, बेसिक एवरी कॉलम एंड एवरी रो का समरी देता है। तो इसमें दो चीज आप लोगों को नया होगा, एक है टॉप और एक है फ्रीक्वेंसी।
और एक है मेन। तो इन चीजों को हम लोग आगे आने वाले वीडियो में का देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, डोंट वरी। तो ये था डिस्क्राइब फंक्शन। के बाद एक होता है इन्फो, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं df.info। तो ये हम लोग जो यूज तीन चीज अभी यूज किए हैं, पहला हम लोगों ने डाटा टाइप यूज किया, दूसरा हम लोगों ने डिस्क्राइब किया और तीसरा हम लोगों ने इन्फो यूज करने जा रहे हैं। तो ये तीनों क्या करता है, डाटा को एनालाइज करने में मदद करता है, हमें एनालिसिस करने में कि हमें आगे चल के किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से डाटा पे किधर से काम करना है। पहले या तो अगर डाटा में हमारा कुछ एरर है तो पहले एरर को सही करें, या फिर अगर एरर नहीं है तो डायरेक्ट डाटा को प्रोसेस करने में आगे बढ़े। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं df.info और इसे शिफ्ट एंटर से रन करवाते हैं और हमारे पास जानकारी आ गया बेसिक कि हमारे पास जो डाटा है वो किस तरीके का है। सो इसमें हमारे पास हर कॉलम का हमारे पास डाटा आ गया, नल काउंट है, काउंट है, डाटा टाइप है, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज है वगैरह वगैरह। तो ये था इन्फो। इससे हम लोगों ने एनालाइज किया कि डाटा हमारे पास कैसा था, कहीं एरर तो नहीं था। तो आगे चल के हमें पता चलेगा कि हमारे पास 7-8 जगह एरर है जो हम लोगों ने निकाला उसमें। जैसे हम लोग यहाँ पे टाइप में देखते हैं जो एरर है वो किस तरह का रहता है। तो प्राइस में तो हम लोगों ने देखा कि उसमें इंटीजर होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो दूसरा है जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ सिलेंडर्स, तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स में यहाँ पे ऑब्जेक्ट है लेकिन हमें 4 सिलेंडर गाड़ी है, 2 सिलेंडर गाड़ी है, जैसे 2 व्हीलर हो गया। तो उस तरीके से नंबर ऑफ सिलेंडर्स ये बताता है कि हमें नंबर ऑफ सिलेंडर्स में इंटीजर वैल्यू चाहिए, इंट वैल्यू चाहिए, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से यहाँ पे है नंबर ऑफ डोर्स, तो उसमें भी हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, जैसे कि गाड़ी में 2 डोर होंगे, 3 डोर होंगे, 5 डोर होंगे या फिर 4 डोर होंगे। 3 इन द सेंस कि डिक्की वाले में डबल सीटर गाड़ी 4 सीटर है। उसी तरीके से ये डाटा टाइप था। इसमें काफी एरर है, 7-8 एरर है, वो हम लोग फाइंड करके निकालेंगे इस तरीके से जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा था डाटा एनालिसिस। तो बिफोर स्टार्टिंग समथिंग वी हैव टू डू आवर डाटा एनालिसिस। इसके बाद हम लोग स्विच करते हैं एक्सेसिंग ऑफ डाटाबेस। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली यहाँ पे हम लोग दो चीज का यूज करेंगे, एक SQL API का और एक पाइथन डाटाबेस API का। तो पाइथन में हम लोगों को डाटाबेस एक्सेस करने के लिए एक प्रोसेस है, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस प्रोसेस में लेट से कुछ यूजर्स हैं, ठीक है, वो डाटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं। तो उनके लिए सबसे पहले क्या होगा, वो कोड लिखेंगे पाइथन में और वो एप्लीकेशन बेस्ड होगा। सो टू एक्सेस डाटाबेस इन पाइथन दे यूज टू राइट देयर कोड इन पाइथन using Jupyter notebook and then that Python code helps them to connect to database using API call. So here is the base prototype what Python API uses to connect to database. So we are going to learn SQL and Python APIs basic. So first, what is SQL API? Before that we will learn what is API. API is an application programming interface which uses some set of functions, instructions to get, retrieve or access data based on some type of services. So in SQL API consists of library function calls as an application programming interface for DBMS. So SQL API क्या करता है, अपने फंक्शन कॉल को यूज करता है। SQL API क्या है, ये कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज करता है और फंक्शन कॉल। सो ये फंक्शन कॉल क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन क्या है, ये हम लोग आगे समझेंगे। सो बेसिकली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ APIs हैं जो रिटन हैं, तो उनको एक्सेस करने के लिए हम लोग कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं या कोड लिखते हैं। सो बेसिकली वो है कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या करते हैं, डाटाबेस में जाते हैं और वहां से परमिशन ले आते हैं हमारे लिए। So they allow the permission. So SQL API क्या है, ये लाइब्रेरी कॉल फंक्शन को यूज करता है टू रिट्रीव डाटा, टू पास SQL स्टेटमेंट टू DBMS, एन एप्लीकेशन प्रोग्राम कॉल फंक्शन API एंड कॉल अदर फंक्शन टू रिट्रीव क्वेरी रिजल्ट एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम DBMS। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, एंड बेसिक स्टेप्स आर शोन हियर इन एन एनिमेशन। हियर वी सी इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ कनेक्ट फंक्शन फॉलोड बाई सेंड स्टेटमेंट विच इज बिल्ड बाई एन एप्लीकेशन प्रोग्राम एज टेक्स्ट स्ट्रिंग। द स्टेटमेंट कंसिस्ट of buffer which is of text string which carries some information and make an API call to pass the buffer content to DBMS and then with an API call disconnect from database. The application program makes API call to check the status and handle the error and the application program then ends the database access with an API call disconnect function from database. So here is some libraries used by database system to connect to
Python application. So database and DB API. So first is DB to warehouse on cloud. Compose for MySQL. Here is a spelling mistake. It's E instead of T. So compose, not a compose. So compose for PostgreSQL and compose for MongoDB. So DB to warehouse on cloud uses IBM DB, and the API which is for MySQL is MySQL connector / it is for Python also, and PostgreSQL is of PsyCo2, and for MongoDB it's PyMongo. These are the APIs which are used by database system to connect to Python application. So after that we have concept of Python DB API, which is of two types. One is connection object and second is cursor object. Connection object consists of two types, database connection and managed transaction. And second is cursor object. Cursor object consists of database queries. It is used to run queries. So you open a cursor. For that you open a cursor object and run a query. The cursor works similar to a cursor in the text processing system, where you scroll down in your result set and get your data into the application. It is similar to as a browser. When we scroll down, we will get our result. You have experienced it when you have a very low connection of internet. So when you have very low connection, sometime it used to render the things, you know. When you scroll down, the image is buffering and rendering. It often happens to when you have low connection to YouTube. When we scroll down, the video's image is not come very clear to the next playlist or vagara. So it is of something like that. Also, cursors are used to scan through the results of the database. So cursor basically used to scan the results which is in the database. Also we have four connection methods: cursor, commit, rollback and close. Cursor basically returns a new cursor object using the connection. Commit, the commit method is used to commit any pending transactions to the database. It is like when you request something for like photos in Google, and it gave you the sum of the image, and it is rendering there, and what we see that basically there is some of the pending transactions which are handled by the commit function. So then after we have rollback function. What rollback function do? It causes the database to roll back to the starting of any pending transaction. It is like when some photos are showing like not available, and then after to confirm it, the rollback function again requests it, and then it again requests for the image, and then after it get like some requests are pending, and then when we request for the image of Mahatma Gandhi, and we see some of the images are rendering, then it comes to the callback function. Like if the transaction ended, then restart the transaction. It is like start any transaction which is pending. Got it? So and then after we have a close function. Close method is used to close the database connection. So what we have is all these four types of connection. So here we have some codes which are writing, which are used in DB API. So writing codes are, we have first from database module import connect, and then create an object. So for that we use connection equals to connect, and in bracket with a single inverted comma we use database name, username, password, it is like credentials. And then after we use we create a cursor object, cursor equals to connection dot cursor, and then run queries. For that we use cursor dot execute, and then after we run queries, for that we use cursor dot execute in bracket we use select star from my table. We will see everything in upcoming videos. And then after results equals to cursor dot fetch all, and then after we free the resources. For that we use cursor.close function, and then after connection.close. So here for today, in next lecture we will see pre-processing of data and what we do with our missing values. Means what if there is a question mark in our data set, the values which are there is NaN, not a number, and like those which are like some of them are, we need them to be integer, and they are instead of integer they are object. So we will do it and correct those of the errors in our data set. So I hope you like it. Thanks for watching.